हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो हमारा सेव स्कोर है बीए बीकॉम और बीएलएलबी का, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बीएससी मैथ बायो होम साइंस प्लस बीए इन चार कोर्सों का मैंने आपको जो सेव स्कोर है वो बता दिया। इसके बाद हम आज आपको बीकॉम और बीएलएलबी इन दोनों का कट ऑफ जो सेव स्कोर है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने बीएससी और बीए का नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, आप आराम से जाकर वहाँ से वॉच कर लेना। और कुछ ना समझ में आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिए, हम आपको बता देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेव स्कोर 2023 बीकॉम और बीएलएलबी ये दो कोर्सों का देखेंगे। सबसे पहले हम बीकॉम का देखें तो बीकॉम में हमारा वन डोमेन सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट तीनों को मिलाकर हमारा 650 नंबर टोटल हुआ। हमारा 650 नंबर पे कट ऑफ और जो भी मेरिट वगैरह बनेगा वो 650 नंबर पे बनेगा, इतना तो आप सभी को पता ही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अनरिजर्व कैटेगरी जनरल वाले का जनरल कैटेगरी जो है, अगर उनका 410 या 400 या 410 से ऊपर भी आया है तो उनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपका इतना नंबर है 400 तक, तब आप सोच के चले कि आपका कैंपस में एडमिशन आराम से हो जाएगा। कट ऑफ जब लो जाएगा तब, यहाँ पे कट ऑफ तो थोड़ा हाई जाएगा ही क्योंकि इस साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है, जिस वजह से बहुत से कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिस वजह से एक सीट के लिए कम से कम 10 लोग होंगे, क्या पता इससे ज्यादा लोग हो, जिस वजह से कट ऑफ तो थोड़ा हाई जाएगा ही। इसमें ज्यादा आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अफलेटेड भी मिलेगा तो आप अफलेटेड भी ले लेना, क्योंकि अफलेटेड बेकार कॉलेज नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि मेन कैंपस में ही पढ़ाई होता है, अफलेटेड में नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस हो या फिर अफलेटेड कॉलेज हो, वो दोनों में बेस्ट पढ़ाई होती है। तो चलिए हम इसके आगे देख ले ईडब्ल्यूएस का देखें। ईडब्ल्यूएस अगर 350 पाए हो या फिर 340 या फिर 350 से ऊपर पाए हो, जैसे 370 90 80 या 400 तक पाए हो, तो ये अपने आपको सेफ स्कोर में समझें और इनका कैंपस में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी वाले का देखिए तो ओबीसी का 330 है, अगर इनका नंबर 320 हो या फिर 300 प्लस भी हो या फिर 300 हो तो भी इनका एडमिशन हो जाएगा ओबीसी कैंडिडेट का, ठीक है। और एससी का देखे तो एससी कैटेगरी वाले का 190 कट ऑफ जाएगा, सॉरी मतलब 190 उनका सेव स्कोर है। अगर एससी जो कैटेगरी वाले हैं, अगर उनका 180 से कम, जैसे 80 हो या फिर 70 हो, 170 180 या 165 वगैरह इसके आसपास भी हो अगर, तो उनका कहीं ना कहीं चांस है कि उनका मेन कैंपस बीकॉम में एडमिशन हो जाएगा। वहीं एसटी कैंडिडेट का देखें तो 85 या फिर 70 इन दोनों में से कोई भी मतलब नंबर हो अगर आपका, तो आप अपने आपको सिविल स्कोर में समझ सकते हैं, ठीक है। या तो हमने आपको बीकॉम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस जो हमारा जा सकता है कट ऑफ वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम बीएलएलबी का देखें। बीएलएलबी का कट ऑफ हमारा हाई जाएगा क्योंकि बीएलएलबी का सीट बहुत कम है कैंपस में। मान के चलिए क्या 150 सीट है कैंपस में। आईएसडीसी में हमारा आईएस जो डीसी कॉलेज है, अफिलेटेड कॉलेज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसमें 75 सीट है। एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है जिसमें 75 सीटें हैं, तो आप एनालिसिस खुद कर सकते हैं कि देखिए कितना कम सीट है यहाँ पे, इसलिए इसका कटअप तो हाई जाएगा ही, ठीक है। बीएलएलबी का देखिए तो अनरिजर्व कैटेगरी का देखिए तो हमारा 550 तक कटअप जा सकता है। कितना? 550 तक हमारा कटअप जा सकता है, 550 या फिर 510 प्लस अगर किसी का है तो वो बीएलएलबी के लिए कैंपस का कटअप का वेट कर सकते हैं, अन्यथा आप अफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। ईडब्ल्यूएस देखिए तो 520 या फिर 500 प्लस अगर आपका आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वाले हैं आप, तो आप अपने आपको सेफ जोन में समझे। इससे 10-20 नंबर कम या 10-20 नंबर ज्यादा भी हो सकता है। यह मेरा ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे हमारा कितना सेफ स्कोर बन सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस हिसाब से हमने आपको यहाँ पे बता दिया। 490 हम ओबीसी वाले का अगर है, 490 470 460 है अगर, तो ओबीसी वाले अपने आपको सेफ जोन में समझे और इनका कहीं ना कहीं अफिलेटेड मेन कैंपस में एडमिशन हो सकता है, ओके। एससी कैटेगरी का देखे तो 375 या 350 भी हुए तो एससी कैंडिडेट जो उनका सेफ स्कोर यही है। अगर आपका इससे ज्यादा है तो आप इलाहाबाद कैंपस के लिए वेट करें, अगर आपका इससे कम है तो आप तुरंत अगर बॉयज है तो आईएसडीसी में एडमिशन ले लीजिएगा, अगर गर्ल्स है तो एसएस खन्ना का फॉर्म मिल रहा है बीएलएलबी और बीए बीकॉम का, तो आप जाके बीएलएलबी का फॉर्म फिल करके जमा कर दीजिए, ठीक। एसटी कैंडिडेट का देखिए तो एसटी कैंडिडेट का यहाँ पे 70 नंबर अगर है तो वो अपने आपको सेफ समझे। 70-60 है अगर एसटी कैंडिडेट का तो वो अपने आपको सेफ समझे, उनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको बीकॉम और बीएलएलबी या जो हमारे दो कोर्सेज हैं इनका हमने आपको कटअप बता दिया, सॉरी कटअप नहीं सेव स्कोर बता दिया कि अगर आपका इतना है तो आप सेव हैं, अगर इससे कम है तो आप अपलेटेड में एडमिशन ले लो। इससे जितना मैंने आपको बताया इससे 10-20 नंबर अधिक या 10-20 नंबर कम भी कटअप लास्ट कटअप हमारा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है इतना, ठीक है। तो ये हमारा सेव स्कोर है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में बीएफए और बीबीए ये दोनों का सेव स्कोर बता देंगे, उसके बाद फाइनल डिस्कस कर लेंगे इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो से रिलेटेड, बीए बीएससी बीकॉम या फिर बीएफए बीएलएलबी बीबीए इन सबसे रिलेटेड आपको एक वीडियो बताएंगे जिसमें ये सारे कट ऑफ का एनालिसिस आपको करके बता देंगे कि हमारा कितना कट ऑफ जा सकता है।
ठीक है, तो ये तो हम आपको सेव स्कोर बता दिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल पे बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो भी बच्चे इधर उधर भटक रहे होंगे, जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपको बता देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आपकी जो भी इंक्वायरी है आप वहाँ पे बताइए, हम आपको बता देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।